जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि मैं स्टेट वाइज स्टेट कट ऑफ लेकर आ रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश का भी लाया है, बिहार का भी लाया है, और गुजरात का भी लाया है, वेस्ट बंगाल का भी लाया है, उड़ीसा का भी लाया है, और जम्मू कश्मीर का भी लाया है। अब आसाम का लेकर आया हूँ। और जो कट ऑफ जो ऑल ऑलरेडी और जो बचे हुए हैं स्टेट वाइज कट ऑफ स्पेशल स्पेशल अलग अलग से लेकर आया हूँ, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि कौन सा मैं नहीं लेकर आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज और कल में बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको बताना चाहते हो कि ये आसाम का कट ऑफ है। ठीक है, आसाम का कट ऑफ आप देख सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल का कट ऑफ मैंने अलग से बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, नक्सल का बताया है, बॉर्डर का बताया है। ठीक है। और एक चीज़ आपको ये बता रहा हूँ कि जिनके भी 40 के प्लस आ रहे हैं जनरल के, वो उन ये समझ लीजिए कि उनके काफ़ी चांसेस हैं सिलेक्शन होने के लिए। ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है इसके बाद फिजिकल की तैयारी करने, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ का, मेडिकल कैसे होता है सब कुछ का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप डी जो रेलवे का हुआ था उसमें भी मेडिकल और रनिंग वनिंग हुई थी, तो बहुत लोगों ने गलतियाँ की थी। तो स्पेशली जो उन लोगों के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका 90-90 नंबर आया, तो कुछ गलतियों के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बहुत ही डिटेल में एक एक करके वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स। एक बार कट ऑफ कवर हो जाए पूरा, फिर इसके बाद मैं फिजिकल विजिकल की लाऊंगा एक से या दो दिन से। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जब सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल आइकॉन जो होता है ना फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल दबा दीजिएगा। इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो आपके पास तुरंत आ जाएगी। अगर ये नहीं दबाएंगे तो चैनल का सब्सक्राइब करने का फ्रेंड्स कोई फायदा नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये वीडियो, इस टाइप के वीडियो को आप शेयर जरूर करिए। जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट आएगा फ्रेंड्स, उसी के हिसाब से मैं डेली सर्वे ला रहा हूँ। ठीक है। जैसे मेरे पास डेली 3 से 4 हज़ार से 5 हज़ार का सैंपल क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं हर वीडियो बना रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, डेली मेरे को 3 से 4 हज़ार मैसेज आ रहे हैं। तो और पुराना आ चुका है उसको मैं ओवरऑल करके डेली मैं सैंपल, डेली मैं सर्वे ला रहा हूँ। ठीक है, डेली मैं ला रहा हूँ, आप उस सर्वे को जरूर देखो, कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा। अच्छा लगता है फ्रेंड, लाइक जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आपका लाइक रहेगा फ्रेंड्स, उतना मेरे को आपके लिए काम करने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। एक नॉर्मलाइजेशन शब्द आपने सुना होगा, नॉर्मलाइजेशन शब्द सुना होगा। तो अगर आपके मान लीजिए 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, आसाम से हैं आप, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में फ्रेंड्स 10 नंबर भी बढ़ सकते हैं, 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। मैंने कुछ नॉर्मलाइजेशन के वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें आपका क्या होगा कि आपके 50-30 नंबर भी आ सकते हैं, 40 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन सबको नहीं मिलता फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन उसी को मिलेगा जिसका पेपर टफ आया था। और ऐसा नहीं है कि किसी का 25, सबका 25 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हार मत मानिए। आगे बहुत सारे एग्जाम हैं, रेलवे के भी आपने फॉर्म भरे होंगे। ठीक है। आप मेरे से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं रेलवे की तैयारी कराता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे फ्रेंड्स। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपके पास फ्रेंड्स टोटल जो है वो 60, लगभग आपके पास 60,000 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 10 गुना लोगों को लिया जाएगा फिजिकल टेस्ट में, पीटी में। ठीक है। तो 6 लाख लोगों को लिया जाएगा, और आपको पता है कि 30 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ठीक है। तो क्या अगर 30 लाख और 6 लाख को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है 5, मतलब एक सीट पे फ्रेंड्स, एक सीट पे 5 लोग फाइट कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। ठीक है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट जो है वो 31 मई को आएगा, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, इस बात को आप ध्यान रखिए रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। अब क्या है कि तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 5 स्टूडेंट, आपको पता है कि एक सीट पे 5 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। अब हम आते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस आसाम का कट ऑफ। आप देख सकते हैं जनरल का जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स वो 44 गया था। ध्यान से देखिए आप, जनरल का जो गया था फ्रेंड्स वो 44 गया था। ओबीसी का जो गया था कट ऑफ फ्रेंड्स वो 38 गया था। आप देख सकते हैं 45 भी कट ऑफ नहीं गया लास्ट ईयर, और इससे भी कम कट ऑफ जाने वाला है इस बार, ये तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। और एससी के लिए फ्रेंड्स 37 गया है। एसटी का देखिए थोड़ा ज़्यादा गया है, क्योंकि एसटी की पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है एससी से। ठीक है। सीट भी थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब हम चलते हैं अपना जो है, मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मैंने सारे सर्वे से, सारे मैसेज से
और जो मैं सर्वे कर रहा हूँ आसाम आसाम का जो भी जितना मैसेज आ रहा है उस हिसाब से मैंने जो कट ऑफ बनाया है फ्रेंड्स वो ये है। फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल का है। फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, आसाम आसाम का अलग से वीडियो बनाया है। जैसे कि जनरल, अगर जनरल में फ्रेंड्स आपका 39 to 42 आ रहा है, देख रहे हैं कितना कम कट ऑफ है। अगर आपके इतने कम कट ऑफ आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप बिल्कुल पीटी की तैयारी कर दीजिए, ठीक है। ओबीसी में देखिए फ्रेंड्स, मेल के लिए कितना कट ऑफ है, 35 to 37। अगर 35 to 37 आपके ओबीसी में आ रहा है ना, आप तैयारी बिल्कुल चालू कर दीजिए, ठीक है। एससी का देखिए फ्रेंड्स, एससी का अगर 35 to 34 आ रहा है तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। एसटी का देखिए फ्रेंड्स, अगर 34 to 38 आ रहा है ना, बिल्कुल तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। इस बार फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ बहुत कम जाने का एक कारण भी है कि आपको पता है ऑलरेडी ग्रुप डी एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर आपने भी फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ऑलरेडी ने 3 to 4 lakh लोगों ने फॉर्म भरा है, तो काफ़ी लोग वहाँ जाएंगे, कुछ लोग इधर आसाम ये जो एसएससी का है वहाँ जाएंगे, तो कट ऑफ कम जाने का ये एक कारण है, ठीक है। अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार चुनाव के कारण, इलेक्शन के कारण अच्छी खासी 2018 में वैकेंसी आई, 2019 में, तो इस बार अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको गवाओ नहीं, ठीक है। फिजिकल चालू कर दो आप। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल का। फ्रेंड्स फीमेल का काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा, देख लीजिए आप 36 to 39। कोई यूपी में और बिहार वाले तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतने कम कट ऑफ में यहाँ कट ऑफ जा रहा है, सोच रहे हैं। और ओबीसी में देखिए 32 to 35 अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल बेहिचक तैयारी करिए। एससी का देखिए 31 to 34 आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल तैयारी करिए। अगर आपके एससी में 31 to 34 आ रहा है तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी करिए, ठीक है। एसटी का देखिए फ्रेंड्स, एसटी में अगर आपके 33 से 36 आ रहे हैं फ्रेंड्स फीमेल में, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फ्रेंड्स चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बॉर्डर एरिया का है। देखिए यहाँ तो और कम कट ऑफ जा रहा है, 34 to 36 आ रहा है आपका, तो आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। ओबीसी का आप देखिए फ्रेंड्स, ओबीसी का 31 to 33, सोच रहे 31 to 33 जस्ट आपको पास करना है और आपका क्या है, आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। 30 SC का देखिए 30 to 32 आ रहा है, 30 से 32 आ रहा है, तो आपको नौकरी मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। एसटी का देखिए आप 31 to 34 आ रहा है, तो आपको अच्छा खासा नौकरी मिलने को तैयार रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा देर नहीं करके अब मैं आपको एक नक्सल का, मैंने बनाया नहीं है लेकिन मैं यहीं बता देता हूँ नक्सल का कितना जाएगा कट ऑफ, ठीक है। नक्सल का कट ऑफ कितना जाएगा मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर जनरल में है तो आपका 31 से लेके फ्रेंड्स 35 तक जाएगा। ओबीसी के हैं तो आपका 29 आपका 30 से लेके फ्रेंड्स 31 तक जाएगा, ठीक है। एसटी के हैं आप तो 30 से लेकर 31 तक जाएगा, और एससी के भी हैं तो आपका 30 से लेकर 32 तक जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको नक्सल का भी कट ऑफ बता दिया, तो बहुत सारे सबका कट ऑफ बताया है, मेल का बताया, फीमेल का बताया, नक्सल का बताया है, और आपको बॉर्डर एरिया का बताया। अब फ्रेंड्स हम लेकर चलते हैं, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये क्या है नॉर्मलाइजेशन में। आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 का रिजल्ट आया था, उसमें आप देख सकते हैं 147 जिसका आया था नंबर फ्रेंड्स आंसर की में, और इसका 164 आया है, मतलब कि यहाँ मार्क्स जो है वो लगभग 23 बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स 10 भी बढ़ सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टफनेस ऑफ पेपर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर टफनेस ऑफ पेपर आपके इतने बढ़ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको लास्ट बात बोल रहा हूँ, फ्रेंड्स आपको फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, फिजिकल की मैं बातें कर रहा हूँ, आपको फिजिकल बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। डेली फ्रेंड्स, डेली आप अभी से फ्रेंड्स आपको बता रखा है, जितने टाइम में आपको बता रखा है उतने किलोमीटर दौड़ना है। स्टार्ट आप 1 किलोमीटर से करो, ठीक है, स्टार्ट आप 1 किलोमीटर से करो, धीरे 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 करके आप 2 किलोमीटर यूज करो, धीरे 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 करके 3 किलोमीटर स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको दौड़ना अभी से स्टार्ट करना होगा, आप ये नहीं कि एग्जाम के 25 दिन बाद आपका दौड़ना चालू हो जाता है तो उस टाइम आप स्टार्ट करें, वैसा फ्रेंड्स नहीं करना आपको। आपको डेली, उसका मैं ज़रूर टिप्स बताऊँगा, आप डेली आप जाना, एक बार उठ के सुबह सुबह उठ के जाओ और बिल्कुल फ्रेंड्स स्टार्ट अभी से कर दो, बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगता है
किसका और कट ऑफ मैं बताऊं, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर करें। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को क्या करना है फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना है, ये बात ज़रूर काम करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को क्या करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।